गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लिबनिस थ्योरम का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है क्वेश्चन ऐसा है, इफ वाई टू द पावर वन अपॉन एम प्लस वाई टू द पावर वन माइनस वन अपॉन एम इज इक्वल टू टू एक्स, प्रूव डेट। प्रूव डेट क्या है? प्रूव डेट है एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे साथ क्या है, इस क्वेश्चन में भी y की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमें पता है अगर से y रहे तो एक बार डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट और फिर n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें डायरेक्टली y नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है उससे y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, गिवन एक्सप्रेशन को लिखे हमने, यहाँ पे y टू द पावर माइनस वन अपन एम को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑल ऑफ यू नो के y टू द पावर वन अपन एम टू द पावर माइनस एम। ठीक, अब हमने y टू द पावर वन अपन एम की वैल्यू z सब्स्टिट्यूट करी है, तो इससे ये बना है z और ये बना है z इनवर्स। ठीक है, z इनवर्स कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन z, जो मेन है बस वही एक्सप्लेनेशन हो रहा है, बाकी सब कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, z से मल्टीप्लाई करें हमने एक्सप्रेशन को, तो ये बना है z स्क्वायर, ये बना है प्लस वन और ये बना है 2xz। ठीक है, z से मल्टीप्लाई करिए, 2xz वाली टर्म को इधर शिफ्ट करे है तो ये पॉजिटिव था, इधर शिफ्ट होके माइनस 2xz हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। वी हो द इक्वेशन लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड एक्स इज इक्वल टू, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये है हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन ध्यान से देखिए, z स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, वो x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक थी, तो हमारा a जो है यहाँ पे 1 है, b जो है हमारा माइनस 2x है और c जो है हमारा प्लस 1 है। ध्यान से सुनिए आप, उसके बाद z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखे है माइनस बी, तो ये माइनस बी बन गया है प्लस 2x, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बन गया है 4x स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये b है, b का स्क्वायर बन गया है 4x स्क्वायर माइनस 4ac, a भी 1 है c भी 1 है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही रहेगा अपॉन 2। अभी अगली स्टेप में ये 4 जो है रूट के बाहर आके 2 निकला है बेटा, आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 हुआ है, उसके बाद 2 2 2 सब जगह का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब यहाँ पे प्लस साइन भी है माइनस साइन भी है, तो हम लोग कोई भी एक साइन को कंसिडर कर सकते हैं, तो वील कंसिडर द प्लस साइन। ठीक है, तो z हमारे पास आया है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप माइनस साइन से भी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमें z से हम आगे नहीं बढ़ सकते बेटा, z इज अवर y टू द पावर वन अपॉन m, तो y टू द पावर m बन गया है, z की जगह हमने y टू द पावर m रख दिए, अभी भी हमें y चाहिए, तो हम लोग ने इसकी mth पावर ले लिए है, तो वी गेट y इज इक्वल टू दिस, तो ये ही हमें चाहिए, दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर वन। अब इस एक्सप्रेशन नंबर वन को हम आगे बढ़ाएंगे जैसे हमेशा बढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट हम एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि बहुत बार हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन वन, यहाँ पे एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, एम एक्स टू द पावर सॉरी एक्स प्लस रूट की पावर एम माइनस वन हो गया है। ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ये हमारा डिस्टर्बिंग फंक्शन है, इस डिस्टर्बिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा वन, रूट का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट, तो ये वन अपॉन टू रूट हो गया है, लेकिन टू एक्स क्यों लिखे है, रूट का डिस्टर्बिंग फंक्शन हुआ है 2x। आपने से अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अब एक से दो बार करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे x टू द पावर m का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, पहली बार में x टू द पावर n का
उसके बाद डिस्टर्बिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिए तो x का 1 बना है, यहाँ रूट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट, तो ये तो एम एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डिस्टर्बिंग फंक्शन में ये 1 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट। अब रूट के अंदर जो डिस्टर्बिंग फंक्शन है उसका हुआ है 2x, क्योंकि 2x माइनस 0 होगा तो 2x हमने लिखे है। ठीक है, आगे हम लोग ये 2 और 2 को कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 2 गेट कैंसल, तो रूट प्लस एक्स, रूट मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स होता है, तो हमने उसको एक्स प्लस रूट लिख दिए है बेटा। ठीक है, वी कैन राइट, यहाँ पे आ रहा है रूट प्लस एक्स, तो हमने एक्स प्लस रूट लिख दिया, अपॉन में रूट एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ये हमने क्यों करे बेटा, दिस टू फैक्टर आर सेम, इसकी पावर है एम माइनस 1 और इसकी पावर है ए 1, तो दोनों पावर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वी कैन गेट द पावर एक्स प्लस रूट टू द पावर एम। ठीक है, ये इसकी पावर m माइनस 1 थी, इसकी पावर 1 थी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं तो ये टू द पावर m बन गया है। साथ ही साथ आपको पता होगा जो डिनोमिनेटर में रहता है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गई हमारी शिफ्टिंग। ठीक है, कि रूट वाई वन इंटू, सॉरी हम इसको यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नहीं कॉल आउट करेंगे, अभी भी हमारा कुछ कैलकुलेशन बचा हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है y, सो दिस वी कैन राइट एम वाई, तो ये हमारा बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 इज इक्वल टू एम वाई। यहाँ पे हम रीजन देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये हमारा रहेगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपको अगर से ये फॉर्मूले की ज़रूरत होगी तो इसको कहीं कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके, उसके बाद ये पूरा एक्सप्लेनेशन कॉपी करिए और इक्वेशन 2 के बाद से हम आपको बताते हैं, पूरा क्वेश्चन भी लिखेंगे, सॉल्यूशन भी लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंचेंगे। ठीक है, और हम अब इक्वेशन नंबर 2 के बाद आपको बताते हैं हमको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हमको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल देखिए, फर्स्ट फंक्शन रूट एज इट इज़, वाई वन का डेरेवेटिव वाई टू, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन है हमारा वाई वन, तो ये हमने लिख दिए वाई वन एज इट इज़, अब रूट का डेरिवेटिव लेना है। इसके पहले भी हमने बताए थे रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, तो 2 और रूट हो गए बेटा इस तरीके से 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2x, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल भी हमने कर दिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे एम वाई, एम कॉन्स्टेंट, वाई का डेरेवेटिव वाई वन। अब हम क्या करेंगे, इस रूट से एन टाइम्स अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले सिंपल करेंगे, तो सिंपल करने के लिए इस रूट जो डिनोमिनेटर में उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रूट से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टर्म देखिए बेटा रूट इंटू रूट बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई 2। यहाँ पे जब रूट का इस टर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा तो रूट रूट गेट कैंसल, तो ओनली देयर विल बी वाई वन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे रूट का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो एम वाई वन इंटू रूट टू, एम वाई वन इंटू रूट। अब देखिए ये हमारी सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएशन हो चुकी है, ये वाली स्टेप। अब अभी तक हमने एन टाइम्स डिफरेंशिएशन में रूट नहीं देखे बेटा, रूट कहीं जाके ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, y1 इंटू रूट की जो वैल्यू है वो है my, आप ध्यान से देखिए रूट इंटू वाई वन इट इज़ my, तो हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए है, रूट को हमने हटा दिए। अगली स्टेप में ये एम स्क्वायर वाई जो है निगेटिव साइन से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है, अब हमारी पूरी प्रिपेयर्ड इक्वेशन है जिसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये है हमारी इक्वेशन 3। अब हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, अब जब n टाइम्स करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम लिबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन हियर।
ठीक है। और एक काम हमने अब कर चुके हैं, यू और वी को प्रॉपर पोजिशन भी दे दी है। ये हमारा वी रहेगा तो हमने उसकी पोजिशन पहले ही चेंज करके लिख दी है। यहाँ पे भी यू और वी की पोजिशन चेंज करके ही लिख लिए है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई यू और वी नहीं है इसलिए उसको एज इट इज़ लिखा गया है। तो एन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म, एन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है जिसको ऑपरेटर से बाहर निकाल लिया जाता है, एम डी टू द पावर एन ऑफ वाई भी हमने लिख दी है, ठीक है। अब इसके लिए आप देखिए प्रोडक्ट रूल, सॉरी लिबनिस थ्योरम कैसे हमने अप्लाई की है, ठीक है। देखिए डी टू द पावर एन ऑफ वाई टू इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। अब आगे जाके हमारा ये बनेगा एन टाइम्स डी टू द पावर एन माइनस वन ऑफ वाई टू, और ये बनेगा टू एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन आगे लेते जाएंगे, ठीक है। यह है एन डी टू द पावर एन माइनस वन ऑफ वाई टू, इसका डिफ्रेंशिएशन टू एक्स। आगे इसका बनेगा एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, और ये बनेगा डी टू द पावर एन माइनस टू ऑफ वाई टू, एक डिक्रीज करते जाते हैं और टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया टू, ठीक है। क्योंकि टू आ गया हमारा, आगे का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा तो हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे। इसके लिए ये हमारा तीन टर्म है लिबनिस थ्योरम का। अब इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस साइन मैंने कंटिन्यू करी हूँ और इसके लिए लिबनिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 इंटू एक्स, आगे के टर्म में इसके लिए बनता है n d टू द पावर n माइनस वन ऑफ n d टू द पावर n माइनस वन ऑफ y1, और इसका डिफ्रेंशिएशन लिया जाता है जो कि 1 होगा। फिर से 1 का डिफ्रेंशिएशन आगे 0 होने वाला है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। ये है दो टर्म इसके लिबनिस थ्योरम के लिए। उसके बाद m स्क्वेयर, और ये है हमारा वाई एन इज इक्वल टू जीरो। आगे के लिए पहले ही सुन ले, ये बनेगा वाई एन प्लस टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो वाई एन प्लस वन बनेगा और ये बनेगा वाई एन, ठीक है। अभी से ही बता दे रहे, अगले कैलकुलेशन में ये बनेगा टू एन एक्स, यहाँ पे एन अंदर जाएंगा और टू कैंसिल होगा, ठीक है। ये इसको लिखेंगे एक्स वाई एन प्लस वन, इसको लिखेंगे एन वाई एन, आप वहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये है हमारा कैलकुलेशन। आप में से अगर से किसी को नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं उसका कैलकुलेशन। फिर हमने टर्म को ये वाई एन प्लस टू वाली टर्म को कॉपी करे है। वाई एन प्लस वन की दो टर्म है तो हमने उसमें से कॉमन लिए है। वाई एन की तीन टर्म है उसमें से भी वाई एन को कॉमन लिए है, रिमेनिंग अनकॉमन। इसमें से आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ है। यहाँ पे पूरा जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है वो सब आप लिखिए पहले। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है बेटा, पिछले क्वेश्चन के अभी जो हमने किए उसकी हेल्प लेंगे, सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं, थोड़ा हम फास्ट देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, प्रूव डेट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू टाइम्स एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x गिवन है, वो हमने कॉपी कर लिए है। उसके बाद इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। हमें मिल रहा है y का डिफ्रेंशिएशन वन और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमें पता है हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू वन हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल और वन का डेरिवेटिव जीरो रहेगा। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस सेकेंड फंक्शन वाई वन एज इट इज़ और वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसको थोड़ा सी प्रॉपर पोजिशन में रख देंगे। अब हम लोग वी और यू को बराबर रख के ही इक्वेशन थ्री में ही सेटल कर ले रहे हैं, तो हमने इसको वाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखे क्योंकि ये हमारा वी रहेगा, और इसको हमने टू को साइड में कर दिए है, वाई वन इंटू एक्स लिख दिए है, टू क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन नंबर थ्री आ गई है। डिफ्रेंशिएट करेंगे और जहाँ लिबनिस थ्योरम अप्लाई करना रहेगा वहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस टू देख लीजिए आप उधर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको ये, और टू कॉन्स्टेंट है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई वन इंटू एक्स है, ठीक है। चलिए अब उसके नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको लिबनिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। आगे की टर्म भी आप देख लिए, n टाइम्स एक डेरिवेटिव y2 का कम कर लेंगे और इसका
डिफरेंशिएट कर लेंगे। उसके बाद ये एन की बजाय एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल आता है, इसका एक डेरिवेटिव और कम हो गया और टू एक्स का डेरिवेटिव टू आ गया, टू कॉन्स्टेंट है, तो इसके लिए हमारा लिबनीज़ थ्योरम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इसके लिए जब लिबनीज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिबनीज़ थ्योरम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म आती है, टू जो है दोनों टर्म के लिए रहेगा, इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना यहाँ ज़रूरी है। तो हमने टू और इसके लिबनीज़ थ्योरम के लिए हमने ब्रैकेट लगाए है। वाई वन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव इंटू एक्स एज इट इज़, और आगे की टर्म में रहता है n टाइम्स वाई वन का डेरिवेटिव कम कर देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे तो जो कि 1 आएगा। फिर से 1 हमारा कॉन्स्टेंट है तो हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लिबनीज़ थ्योरम का एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद ये आपको पता ही है, ये वाई एन प्लस टू लिखेंगे, ये वाई एन प्लस वन बनेगा, ये वाई एन बनेगा, ये वाई एन प्लस वन बनेगा, ये वाई एन बनेगा, ठीक है। इन शॉर्ट बता देते हैं, तो ये लिखे हमने वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, उसके बाद ये तीनों को हमने लिखे टू एन एक्स, और इसको हमने लिख दिया वाई एन प्लस वन, यहाँ का एन अंदर आया है और टू कैंसिल होकर इसको वाई एन लिख दिया हमने। इसमें हमने टू से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, टू एक्स वाई एन प्लस वन टू एन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आपको वाई एन प्लस टू की टर्म एक ही है, वाई एन प्लस वन की दो टर्म है जिसमें टू एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन है, तो यहाँ से एन बच रहा है, यहाँ से वन बच रहा है, और वाई एन की दो टर्म है जिसमें से हमने वाई एन को कॉमन लिए है, तो ये एन स्क्वायर माइनस एन अनकॉमन और टू बी टू एन एन कॉमन है। इसका कैलकुलेशन हो रहा है एन स्क्वायर प्लस एन, आप देख लीजिए, फिर हमको अकॉर्डिंग टू द प्रूफ इसके एन को हमको कॉमन लेना है। तो एक्चुअली ये है हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का प्रूफ। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमने इन शॉर्ट उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिए है। अगर से आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाँ, ये पूरा आप लोग कॉपी कर लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन है, इसको आगे आपको ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू e टू द पावर टेन इनवर्स ऑफ x, प्रूव डैट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू टाइम्स एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ऑफ वाई एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन का हमने इक्वेशन थ्री के बाद n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन वाली स्टेप भी आपको करके दे दिए है। अब आपको सिर्फ लिबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है, इसका कैलकुलेशन देखना है। कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। विल स्टॉप नाउ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।